हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सर्टिफाई एम के थ्रू गूगल फॉर्म से सर्टिफिकेट सेंड करने के बारे में बताऊंगा। कैसे हम गूगल फॉर्म पर सर्टिफाई एम को ऐड कर सकते हैं और उसके थ्रू क्विज के या टेस्ट के बाद सर्टिफाई एम के थ्रू सर्टिफिकेट कैसे सेंड कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले गूगल पर हमें टाइप करना होगा गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म ओपन करने के बाद सपोज मैंने कोई पहले एक क्विज लिया हुआ है, सपोज जैसे मैं कोई अपनी प्रीवियसली सेंड क्विज ओपन करके आपको शो करता हूँ, तो ये साइन आपको दिखाई दे रहा है, ये एक एड ऑन का साइन है। और ये एड ऑन कैसे हम ऐड कर सकते हैं, ये मैंने सर्टिफाई के लिए एड ऑन इंस्टॉल किया हुआ है, तो ये एड ऑन हम कैसे ऐड कर सकते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जो आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं, इन डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पे एक एड ऑन का साइन आएगा। इस एड ऑन के साइन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे एड ऑन शो करेगा, फॉर्म नोटिफिकेशन, इसमें सर्टिफाई हम देखते हैं, हम सर्टिफाई हम ये रहा। ये क्योंकि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, आप इस पर क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो इस तरह का आइकन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर गूगल फॉर्म्स के ऊपर आएगा बना हुआ, तो ये सर्टिफाई है, ये देखिए। तो सपोज हमें हमने कोई क्विज तो डिजाइन कर ली, जैसे मैंने आपको पिछले अपनी वीडियो में बताया था कि किस तरह हम क्विज अपनी कोई भी डिजाइन कर सकते हैं डिफरेंट ऑप्शंस के थ्रू गूगल फॉर्म्स के। तो अब क्विज तो डिजाइन कर ली, अब हम एड ऑन, अगर हमें सर्टिफिकेट भी साथ साथ ही सेंड करना है, हम चाहते हैं कि स्टूडेंट जैसे ही क्विज अटेम्प्ट कर ले, मतलब क्विज सबमिट करे, क्विज सबमिशन के ठीक बाद उसके मेल पर सर्टिफिकेट हम सेंड कर सकें, मीन्स के उसने कितने मार्क्स गेन किए हैं उसका सर्टिफिकेट, तो फिर हमें उसी के हिसाब से अपना ये डिजाइन करना होगा। गूगल फॉर्म्स पर जो टाइटल है, टाइटल भी उसी तरह डालना होगा क्योंकि यही टाइटल शो होगा आपके सर्टिफिकेट में। अब क्या करते हैं हम कि सपोज हमने कोई क्विज तो डिजाइन कर ली पर सर्टिफिकेट हम सेंड करना चाहते हैं, तो सर्टिफिकेट सेंड करने के लिए सर्टिफाई ईएम इंस्टॉल करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे। अभी नहीं शो कर रहा, अभी ये न्यूली फॉर्म में शो करेगा शायद, अभी जाके देखते हैं हम कोई जो हमने पहले। यहाँ पे जैसे ही हम कोई नई क्विज डिजाइन करते हैं तो जैसे ही सर इस एड ऑन पे क्लिक करेंगे सर्टिफाई एम पे, तो सर्टिफाई एम पे आएगा, ये एक ऑप्शन आएगा इनेबल सर्टिफाई ईएम इन दिस क्विज। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आएगा, इनेबल करने के लिए गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते ही ये एक छोटा सा सेक्शन खुल के आएगा आपकी स्क्रीन पर, इसमें आएगा सर्टिफिकेशन इज ऑफ स्टेटस में,
ये हमें टर्न ऑन करना है। जैसे ही मैं ऑन कर दूंगा तो इस क्विज को के लिए ये सर्टिफिकेशन ऑन हो जाएगा। मीन्स तो अब जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूँ यहाँ पे ईमेल का ऑप्शन आ जाता है। ईमेल का ऑप्शन इसलिए आता है कि यहाँ पे जिस भी स्टूडेंट को आप ये क्विज सेंड करेंगे उसे ईमेल अपना मैंडेटरी होगा फिल करना, और जो सर्टिफिकेट आप डिज़ाइन करेंगे वो सर्टिफिकेट उस स्टूडेंट के मेल पर सेंड हो जाएगा। तो इसलिए ईमेल एड्रेस जैसे ही आप इसे ऑन करते हैं सर्टिफाई ईएम स्टेटस को, तो ईमेल एड्रेस फिल करने के लिए एक ऑप्शन अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है क्विज के अंदर जो भी आपने डिज़ाइन की है। अब इसमें पासिंग परसेंटेज हम फिल कर सकते हैं कि आप 30% पे पास करना चाहते हैं क्विज में, या 40% पे, या 60% पे। तो उसी के अकॉर्डिंग आप पासिंग परसेंटेज अपनी डिसाइड कर सकते हैं अपनी क्विज के अकॉर्डिंग। यहाँ पे टेम्पलेट का, डिफरेंट टेम्पलेट्स का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक यूज ए कस्टम टेम्पलेट का भी ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ पे हमने गोल्डन टेम्पलेट टाइप सेलेक्ट किया हुआ है, तो पहले तो प्रीव्यू कर लेते हैं हम। यहाँ पे आप कोई भी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब अपना कोई सर्टिफिकेट डिज़ाइन करके, वो मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह हम कोई कस्टमाइज सर्टिफिकेट अपना ऐड कर सकते हैं गूगल फॉर्म पे। तो उसे यहाँ पे चेंज सेव कर सकते हैं आप अपना कस्टमाइज सर्टिफिकेट बना के, लेकिन उस वो थोड़ा ट्रिकी है। तो अभी तो मैं देखता हूँ इसमें पहले से जो गिवन सर्टिफिकेट हैं वो कैसे दिखाई देंगे। ये देखिए डिफरेंट सर्टिफिकेट्स आपकी स्क्रीन पर शो हैं। ये जो गोल्डन मैंने दिया हुआ है, सेलेक्ट किया हुआ है गोल्डन, कुछ इस तरह दिखाई देगा गोल्डन कलर का। अब क्योंकि हमने गोल्डन सेलेक्ट किया हुआ है तो गोल्डन, अब ये एक बार में ये, क्योंकि ये 100 मेल्स पर ही हम भेज सकते हैं, तो क्योंकि मैं पहले भेज चुका हूँ तो 99 ईमेल्स रिमेनिंग शो कर रहा है। तो एक बार में हम किसी क्विज के लिए मैक्सिमम 100 स्टूडेंट को ये सर्टिफिकेट सेंड कर सकते हैं उनके मेल पर। तो ये क्योंकि हमने ऑन कर दिया है, अब देखिए कैसा शो होगा। जब भी कोई स्टूडेंट अपना क्विज अटेम्प्ट करेगा तो वो साथ के साथ ये सर्टिफिकेट ये आपको एक मेल भी शो हो जाएगा कि आपने इसके लिए किसी भी क्विज के लिए कोई भी अपना सर्टिफिकेट ऑन कर दिया है। ये आपको मेल तुरंत आ जाएगा, और जो भी मेल आपके स्टूडेंट्स को आएंगे रिसीव करेंगे वो मेल आपके ईमेल आईडी पर शो होंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक स्टूडेंट को गया है और ये देखिए ये किस तरह का सर्टिफिकेट है। स्टूडेंट को नहीं, ये मैंने ही करके देखा था, ये कोई और टेम्पलेट है, गोल्डन नहीं है, गोल्डन के अलावा कोई और टेम्पलेट मैंने सेलेक्ट किया था। तो आप देखिए ये किस तरह से, पहले नाम बाय डिफॉल्ट नेम आएगा, दिस सर्टिफिकेट डिक्लेयर्स दैट अमरदीप हैज कंप्लीटेड एन ऑनलाइन क्विज। ये पूरा टाइटल आएगा इसमें, जो आपने टाइटल लिखा हुआ है वो पूरा यहाँ पे आएगा, जो जिस डेट में आपने सेंड किया है वो क्विज को सेंड किया है वो डेट आएगी, और बच्चे की पासिंग परसेंटेज आएगी जो भी आपने क्विज में मार्क्स डिसाइड करे हुए हैं हर क्वेश्चन के लिए, जितने भी उसने करेक्ट होंगे उस बेसिस पे जितने भी गेन किए होंगे मार्क्स वो सब पासिंग परसेंटेज में कन्वर्ट होके इस सर्टिफिकेट में आएगी। अब इस सर्टिफिकेट को हम पीडीएफ फॉर्म में भी सेंड कर सकते हैं और जेपीजी में भी। तो यहाँ पे गूगल फॉर्म्स में ही इसका
गिवन होता है ऑप्शन कि आप सर्टिफिकेट को जेपीजी में सेंड करना चाहते हैं या फिर पीडीएफ में। तो इसके लिए एडवांस सेटिंग में जाना होगा हमें। ये देखिए, यहाँ पे ऑप्शन है सेंड एज पीडीएफ या इमेज। तो आपको जिस तरह से ये सेंड करना हो उसी तरह से, पीडीएफ में सेंड करना चाहते हैं पीडीएफ में, नहीं तो इमेज में सेंड करना चाहते हैं तो इमेज में मेल की फॉर्म में चला जाएगा स्टूडेंट के पास, जो भी स्टूडेंट अपनी मेल आईडी भरेगा फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग या कुछ भी अपना कंटेंट ऑफ बॉडी डिजाइन कर सकते हैं एडवांस में जाकर। तो ये सभी था सर्टिफिकेट हम कैसे सेंड कर सकते हैं किसी भी स्टूडेंट को गूगल फॉर्म्स के थ्रू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम कस्टमाइज सर्टिफिकेट कोई भी बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं और कैसे उसे अटैच कर सकते हैं गूगल फॉर्म्स पे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।